अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शाहनूर मलिक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बकरे की कलेजी है, ये तकरीबन 1.5 किलो है, फुल 1.5 किलो नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा है, तो अराउंड 3 पाउंड्स ये बकरे की कलेजी है। प्याज मैंने लिए हैं 4 बड़े और उसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं 5 बड़े और इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। नमक मैंने लिया है हसब ज़रूरत। सुरख मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। हल्दी मैंने ली है 1/2 टेबलस्पून। सूखा धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून। इस तरीके से मैंने सब्ज़ मिर्चें 3 साबुत हैं, बाकी मैंने 4 तकरीबन उनको मैंने चॉप कर लिया। अदरक का मैंने पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। अब ऑयल जो है हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम लोग प्याज डाल देंगे और इसको हम लोग लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसको जो है हम लोग भून लेंगे। उसके बाद जब इसको हमने हल्का सा भून लिया, इसकी जब खुशबू आने लपड़ेगी तो फिर हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें हम लोग जो हमारे बाकी जो मसाला जात हैं वो हम डाल देंगे। नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया। अब इसके अंदर थोड़ा सारा पानी हम ऐड करेंगे और इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। इसको हम लोग हल्की आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटर बीच में हमने डाले हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब जितने देर में हमारा ये जो मसाला है ये रेडी होगा उतनी देर में हम लोग कलेजी को फ्राई कर लेंगे। इसको हम लोग जो है वो तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगे। अब कलेजी को हम लोगों ने हाई फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई किया है और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैं इसको मसाले के अंदर डाल दूँगी। ये देखें मसाला जो है ये हमारा रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद इसके अंदर कलेजी ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं कलेजी ऐड कर रही हूँ। इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर भून लूँगी। द
देखें कलेजी जो है वो हमारी भुनी गई है, इसको मैंने हाई फ्लेम पे इसको भुना है। अगर आप इसको लो फ्लेम पे अगर आप इसको भुनेंगे तो फिर आपकी जो है वो कलेजी सख्त हो जाएगी, और इसको ओवर कुक भी नहीं करना, उससे भी ये सख्त हो जाएगी। अभी इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्टली जो है ये बन गई है। इसके अंदर अब मैं जो सब्ज़ मिर्चें थी वो मैं ऐड कर लूँगी। इसको मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लाइक 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, और उसके बाद हमारी कलेजी जो है वो तैयार है। तो कलेजी जो है ये हमारी रेडी है, अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और सब्ज़ धनिया, और ये हमारी मसालेदार भुनी हुई कलेजी जो है वो रेडी है। सो आई होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी जो है पसंद आएगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।